हाय, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज देखिएगा, मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत घर दिखाना चाहूँगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा एंड इसे बनाने में काफ़ी मेहनत किया गया। जो हमें सेंड किए हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा जिनके पास भी काफ़ी सफिशेंट जगह है या फिर इनफ जगह है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। मे बी ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही टाइम लेके बनाया गया, बहुत बहुत ही खूबसूरत प्लान है जो कि आज हमें सेंड किया गया। एंड अगर आपके पास भी कोई हाउस प्लान्स है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8095615113 पर आप सेंड कर दीजिएगा। सेंड करने के बाद ऐसे ही हम रिव्यू कर देंगे प्लान्स के। तो फुल व्यू में आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, और चाहे तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए, हेल्पफुल हो जाएगा आपको। और ये देखिएगा, ये वेस्ट फेस है। वेस्ट फेस में जो एक ओपनिंग के जैसे बनाया गया है, इसलिए आप बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। इसका 3D फ्रंट एलिवेशन अगर उन्हें सेंड करते तो और भी बेहतर था, बहुत खूबसूरत बनाया गया। और शायद यहाँ पर भी रोड है इसलिए शॉप्स निकलेगा। शॉप्स का साइज़ काफ़ी सफिशेंट है। इतना नीट वर्क आज तक मैं पहली बार देखा हूँ। बहुत ही मन से, दिल से उन्हें जो है ड्रॉ करे हैं। बात करते हैं इस प्लान के बारे में। वेस्ट से एंटर किया गया। इधर जो है एक छोटा सा एक कार पॉर्च के जैसा बनाया गया। अगर ये रियल में भी आप इसी तरह का डिज़ाइन पैटर्न आपका कैनोपी जो पॉर्च बनाए ना, इतना खूबसूरत दिखेगा, आने वाले कहेंगे वाह वाह, सिर्फ ओनली वर्ड वाह वाह। यहाँ से एंटर हो गए आप, 12x7 फुट में जो है कोई आ गए आपके घर में, कोई गेस्ट आ गए या फिर दोस्त आ गए तो उनको बिठाने के लिए जगह रहेगा। और उन यहाँ पर भी एक टॉयलेट रूम बनाया गया, और सीढ़ियाँ जो है इस कोने पे ली गई है, यानी कि सीढ़ियाँ जो है साउथ वेस्ट कोने पे ली गई है। ये आपका बेडरूम जिसका साइज़ लगभग आपको मिल रहा है 11x3x10 फुट में। और यहाँ पर जो है विंडो बना सकते हैं आप, बे विंडो ऐसा उस टाइप में बना लीजिएगा। यहाँ पर एक दरवाज़ा दी गई है ताकि कोई गेस्ट है, गेस्ट रूम यहाँ पर बना सकते हैं। बट एक दिक्कत है, इसमें टॉयलेट रूम नहीं है, फिर भी आप बना लीजिए टॉयलेट रूम, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेके। और ये बाहर जाने के लिए इस तरह से जगह दी गई है 7x7 फुट में। इधर जो राउंड कॉलम्स लिए गए हैं, ये जो है आपका पूरा कंप्लीट लॉबी आ जाएगा ओपनिंग के साथ। और यहाँ पर एक किचन ली गई है एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर पर। ये किचन, यहाँ पर एक बेडरूम है जिसका साइज 14x11 फुट में बनाया गया। ये आपका बेडरूम, फिर देखिएगा ये आपका बेडरूम 14x11 फीट में एक बेडरूम। एंड यहाँ पर एक विंडो, इधर एक विंडो है। तो विंडो का साइज़ लगभग आप ले सकते हैं 5x4 फीट में, जो आपके अनुसार के हिसाब से लीजिएगा, कन्वेंट के हिसाब से। जितना भी छत है ना, वहाँ पर जो इस तरह का आर्क जैसा बनाया गया, उसमें जो है लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाएगा और जो है आपको देखने में काफ़ी खूबसूरत लग जाएगा। और यहाँ पर जितने भी विंडोज़ हैं वहाँ पर जो है एक्सटेंड किया गया, छज्जा लिया गया ताकि अच्छा वेंटिलेशन भी रह सके और जो है बारिश का पानी घर के अंदर भी ना आ सके। चलिए बात करते हैं इस घर का, जो है आप पूरा व्यू का एक चाहे स्क्रीनशॉट लिए तो जो है मुझे इतना डिटेल में विस्तार में समझाने का नेसेसरी नहीं पड़ेगा। एंड एक टाइप का बंगलो ही समझ सकते हैं आप, बंगलो टाइप का डिज़ाइन है। इतना खूबसूरत डिज़ाइन मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। इतना मेहनत करके जो उन्होंने बनाए हैं, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो हमें सेंड किया है उनके लिए। बात करते हैं इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिएगा डिपेंड करता है, ऑलमोस्ट जो है एक्चुअल से ज़्यादा ही कॉस्ट आ जाएगा इसका। तो लगभग आपको 50 लाख 60 लाख से ऊपर तक हो जाएगा इसका खर्चा, बिकॉज इसके अंदर ऐसा डिज़ाइनिंग भी आ रहा है। कॉलम देखिएगा, इधर नेसेसरी नहीं है एक कॉलम है तो बस, फिर भी आर्किटेक्चरल लुक परपोज दो दो कॉलम लिया जा रहा है तो उसकी वजह से खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। एंड इस तरह से बेडरूम के पोजीशन, किचन का पोजीशन, शॉप भी दिया गया। और सबसे बेस्ट जो है इसके घर के अंदर गार्डनिंग है, तो इनके पास काफ़ी सफिशेंट जगह इस तरह से लग रहा है। तो कॉलम जो है बीच बीच में लिए गए, ये कॉलम 9 इंच का कॉलम, 9 इंच डाया का कॉलम ले सकते हैं। ये जो कॉलम है 12 बाय
9 का लीजिएगा कॉलम्स, या फिर 9x15 के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बीच में आ रहे हैं 9x15 इंच का ले सकते हैं। तो एक सिंपल ब्यूटीफुल घर, बंगलो टाइप डिज़ाइन था ये, करीब 4 बेडरूम वाला आप मान सकते हैं। अगर ऊपर बांध ले तो 4 बेडरूम जरूर आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। एंड जो कि आज आप इतना कीमती समय देके वीडियो को पूरा अंत तक देखे हैं ना, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और आने वाले समय में आपको इसी तरह से बेहतरीन वीडियोस, जानकारी आपको मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, एंड थैंक यू सो मच, हैव ग्रेट डे।